ये डिस्ट्रीब्यूट कर दो। ठीक है, आज की ये जो बेसिकली ये मर्डर केस है और आईए थाना क्षेत्र में दिनांक 12 को एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी। आरोपी लोगों को बुला दो। 12 तारीख को एक गुमशुदगी दर्ज हुई थी कि भगवान सिंह 36 वर्षीय व्यक्ति है, 2013 में शादी की थी इसने और यहाँ पर आकर रह रहा था देवास में। ये इसकी पत्नी छाया ने बताया कि दिनांक 11 से गायब है। उसके बाद पुलिस ने गुमशुदगी दर्ज करके उसकी जांच शुरू की। जांच में पाया गया कि पहले उसकी पत्नी ने बताया कि वो गायब है, फिर बताया कि एक व्यक्ति के साथ चला गया है, फिर बताया कि एक अन्य व्यक्ति है जिसका नाम लिया था कि उसने उसको मार दिया है। जून 11/6 को गायब हुआ था, 12/6 को गुमशुदगी थी। तो पर्याप्त गुमराह करने के बाद जब पुलिस ने जांच की, सख्ती से पूछताछ की और एविडेंसेस कलेक्ट किए, फॉरेंसिक्स की मदद से हमने साक्ष्य इकट्ठे किए, साइबर सेल को इसमें लगाया, उसके बाद में समझ में आया, जो कहानी निकल के आई वो ये है कि इसकी पत्नी छाया ने, जिसका अफेयर चल रहा था लखन नाम के व्यक्ति के साथ, लखन के साथ मिलके अपने दो सहयोगियों की सहायता से उसका मर्डर किया घर में ही और डेड बॉडी को डिस्पोज किया। घर में तकिए से दबाकर, मुंह दबाकर, गला काटकर, और उसका गला दबाया, फिर गला काटा और उसके बाद में उसको मारा। मार के बोरे में भर के डेड बॉडी को बाईपास के बाहर नाले में ले जाके फेंका। उनको लगा कि बॉडी कहीं नहीं जा रही है, तो फिर दोबारा जाके उसको मिट्टी का तेल डाल के जलाया, जला के और उसके बाद में आराम से वो लोग बैठे थे, पुलिस को गुमराह कर रहे थे। तो इसमें आईए थाना पुलिस ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और डेड बॉडी के जो रेमिनेंसेस थे, जो टीबिया बोन, फिबुला बोन, कुछ बोन्स थी, कुछ जो बोरे जिसमें भर के ले गए थे, उनको वहाँ से बरामद किया है। ये जो आरोपी हैं उनमें बाकी नहीं, हाँ, और महिला, महिला को लाए नहीं। अच्छा ठीक, जो आरोपी हैं उनमें लखन है, एक अक्कू है, अकील उर्फ अक्कू, उसके बाद में एक निखिल है, निखिल पिता राधेश्याम, और एक कौन रह गया, शानू। हाँ, तो बेसिकली लखन है, शानू है, अकील है और निखिल है। ये तो पुरुष आरोपी हैं और छाया महिला आरोपी है। 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है, आज इनको कोर्ट में पेश किया जा रहा है। यहाँ पे कौन कौन खड़े हैं, ना हाथ खड़ा कर दो। अक्कूर लखन में है, दो नाबालिग है, महिला, नाबालिग तो एक शानू, एक शानू है, निखिल, दो नाबालिग है, एक छाया है पत्नी उसकी, 3 प्लस 2 ही अक्कू, देन वो लखन, ऐसे 5। सर वेपन जब्त कर लिया है, वेपन्स जो जिससे काटा था वो ब्लेड जब्त की है, इसके अलावा जिस तकिए से स्मूदरिंग की थी वो तकिया जब्त किया है, जिस बेड पे खून लगे थे वो बेडिंग जब्त की है, जिस बोरे में लेकर गया था डेड बॉडी को वो बोरा जब्त किया है जो आधा जला हुआ है, बोन्स जब्त की हैं जो उसकी डेड बॉडी की बोन्स जो वहाँ पे बची हुई थी जलाने के बाद, वो ये अपनी लूना पर लेकर गए थे, लूना जो चलाने की होती है उस पर। TVS स्कूटी, हाँ, यस। घटना है कहाँ की,
ये रहते हैं आड़ा पट्टी, आड़ी पट्टी, मलार आड़ी पट्टी। हाँ बताएं। आइए था वो शंकरगढ़ के पास जो नाला है वहाँ पे इन्होंने गुमसुदगी 12 तारीख को आइए थाने में। पूरा घटनाक्रम एक बार स्क्रीन पर इसी लाइन में देखा, हमारे साथ में लोग भी देख रहे हैं, उसमें समझ नहीं पा रहे हैं। शुरुआत से दिनांक 12/6 को एक गुमशुदगी आईए थाने में दर्ज की गई थी कि भगवान सिंह ग्राम सिलाखेड़ी का है, ये गायब है, गुमशुदा है। इसकी पत्नी छाया देवी ने ये गुमशुदगी दर्ज कराई थी। जांच के दौरान ये पहले वो पुलिस को गुमराह करती रही, बाद में समझ में आया कि छाया ने ही अपने जिसके साथ उसका अफेयर चल रहा था लखन नाम के व्यक्ति के साथ मिलके 3 अन्य लोगों की मदद से अपने पति का मर्डर किया, हत्या करके उसकी डेड बॉडी को डिस्पोज किया, नाले के बाहर जाके उसको जलाया और उसके बाद में उसने गुमशुदगी दर्ज कराई थी। इसमें सभी 5 आरोपियों को छाया, निखिल, अकील, शानू और लखन सभी 5 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। डेड बॉडी के जो बचे हुए पार्ट्स थे उनको जब्त किया है, जो बोरा जिसमें लेकर गए थे उसको जब्त किया है, जो वाहन जिससे लेकर गए थे उसको जब्त किया है। ये क्या है, पेट्रोल डाल के पेट्रोल डाल के जलाए थे, बाईपास शंकरगढ़ की पहाड़ी बाहर हैवी रोड पहाड़ी है, उसके नीचे नाला है, साक्षी छुपाने के लिए साक्षी छुपाने के लिए यस। हाँ यस यस, अब मैं बताता हूँ। ये व्यक्ति अपने गांव से अपनी ज़मीन बेचकर आया था और बेचकर जो पैसे इसको मिले थे उससे उसने 3 लाख रुपए में एक मकान खरीद लिया था और बाकी 2 लाख अपने बैंक में जमा करा दिए थे। जब छाया का अफेयर लखन से चल रहा था तो पहले उन्होंने भागने की सोची, घर से भागने का प्लान कैंसिल करके उन्होंने बताया कि इसी घर में हम रहते हैं और पैसा भी है बैंक में, तो उस पैसे के लालच में और उस मकान के लिए उसने अपने पति की हत्या करवाई। यस, ये है मृतक मूल निवासी है, ग्राम सिलाखेड़ी भाटोनी थाना काय था। ये इसका फोटो लेके सभी लोगों को ग्रुप पे डाल दो, तो आप लोग भी डाल लो, किसी के पास है पीडीएफ बना के डाल। दोनों चीज़ अपने साथी लोगों को हत्या को अंजाम देने के लिए वो कॉन्स्पिरेसी के तहत लेकर गया था कि उनकी मदद करने के लिए, अपने काम को अंजाम देने के लिए, उनको भी कुछ पैसे का लालच था। 8,000 रुपये दिए ना सर उसको? हाँ, 10,000 रुपये उन्होंने दिए, दोनों को 5,000 रुपये दिए। 10,000 रुपये लखन ने दिए थे, 5,000 नहीं, किस में उल्लेख नहीं किया था? नहीं, प्रकरण तो आज ही दर्ज किया है, एफ आई आर तो नहीं, आज ही दर्ज हुआ है। नहीं, एज लिखी होगी ना जो एफ आई आर होती है उसमें, चेक करवा लो। हाँ, डी एस आर मिलते हैं जी। पिछले कुछ महीनों से उसने पीडीएफ फॉर्मेट डाला था, वो बंद हो गया, एक्सेल में आती है तो कंप्यूटर में सबके पास है, सबके पास है। आप पीडीएफ में चाहते हो जी? सब लोग जी सर, एक बार फिर से पीडीएफ में शुरू कर देंगे। ठीक, सिर्फ डीएसआर जाती है, उसको पीडीएफ में शुरू कर देंगे, एक बार चर्चा कर लेंगे। और बताइए, पहले ये खत्म हो गया? चलिए।